नहीं साथ में नहीं पीछे चाहिए। द गबरू गैंग काफी अच्छा था एंड बेस्ट फ्रेंड भी आ गए सपोर्ट करने। अभी फ्रेंड्स नहीं आएंगे तो फिर कौन आएंगे ना। सो आई एम सो ग्लैड दैट शी इज हियर टू सपोर्ट मी एंड माय फिल्म। सो इट फील्स ग्रेट। सो ऑफ कोर्स मैं श्रिष्टि को इतने सालों से जानती हूँ, लेकिन आज श्रिष्टि का फाइनली डेब्यू हुआ है और जब डेब्यू होता है तो आई नो वो फीलिंग क्या होती है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर और मैंने इसका ट्रेलर देखा है गबरू गैंग का। आई थिंक शी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब विच आई नो। अभी तो मैंने फिल्म देखी नहीं है बट मुझे इतना पता है कि टेलीविजन एक्ट्रेसेस कभी किसी से कम नहीं होती। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एंड शी इज डूइंग सो गुड फॉर हरसेल्फ एंड दैट मेक्स मी रियली प्राउड। सबसे खास बात क्या लगी? ये जो पतंग का कॉन्सेप्ट है अक्सर हमने देखा है गुजराती फिल्मों में होता है कि ऊपर फिल्में मतलब आजू बाजू बढ़िया क्या बात है। तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छे अच्छे नए कॉन्सेप्ट जब आते हैं तो लोगों को देखने में मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता है। और आज के टाइम में ऐसी फिल्म बनना बहुत ज़रूरी है जिसमें हमें नॉट जस्ट फिल्म बट आई थिंक हमें एक नॉलेज भी पता, हमें कुछ पता चलता है, हम कुछ लेकर जाते हैं अपने साथ फिल्म में जब हम देखते हैं। तो जिसका पार्ट श्रिष्टि है एंड शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड पूरी टीम ने आई एम वेरी श्योर बहुत मेहनत की है क्योंकि फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज। सो विश यू ऑल द गुड लक श्रिष्टि। धीरे धीरे हम टेलीविजन से फिल्म्स में आ रहे हैं अभी। आई थिंक टेलीविजन एंड फिल्म का जो एक ब्रिज था वो कहीं ना कहीं फिल हो रहा है। exactly, मुझे नहीं लगता मुझे टेलीविजन मुझे लगता है थैंक यू मुझे लगता है मुझे टेलीविजन से फिल्म में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक ऐसा ब्रिज मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए जो दोनों को मर्ज करे। आई थिंक वही हो रहा है आजकल। आई थिंक ऑल एंड आई फील दैट टेलीविजन का हर एक्टर बहुत कमाल करता है और बहुत धमाल कर चुके हैं लोग अपने यू नो अपने टाइम पे और अब इनका टाइम है। तो आई विश हर ऑल द वेरी थैंक। देखो यार मैं बहुत 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 खुश हूँ। मेरा भाई इसमें है अभिलाष। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। 12 साल के ऊपर हो गए हैं। मेरे छोटे भाई की तरह है। इसको बहुत कुछ सिखाया मैंने, मार तोड़ के सिखाया। इससे भी ये अभी इतना बड़ा हो गया ये मुझे सिखाता है, ये मुझे करियर एडवाइस देता है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर एंड ही इज़ अ वेरी परसेप्टिव एक्टर। ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर। और मैं चाहता हूँ ये बहुत कम एक्टर्स में ऐसे होता है कि अगर अपना कंटेम्प्रेरी अपने से आगे जाए ना तो उन्हें खुशी हो। मैं ऐसा हूँ अभिलाष के लिए। ही इज़ मोर देन फैमिली टू मी। मतलब अपने पर्सनल इश्यूज़ में भी हमेशा मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहूँगा कि और आगे जाए और अच्छा करे। अभिलाष दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जस्ट द बिगिनिंग। थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। टोटली डिफरेंट। सो व्हेन यू सॉ द ट्रेलर व्हाट वाज देयर इन योर माइंड? सो फर्स्टली आई हैव सीन द ट्रेलर एंड आई हैव सीन द फिल्म। आई हैव सीन एवरी बिट ऑफ द मूवी जब से शुरू हुआ है और जब से रिलीज़ की बात भी चल रही है। आई थिंक आई वॉच्ड एवरी बिट ऑफ इट। The film of course everyone knows is on kite flying competition जो I think हम try कर रहे कि ये movie के बाद और aware होए। It's of course it's a festival which we celebrate once a year but it's a sport and I hope that इसके बाद इसको एक और discipline sport के तरह हम खेलें। It's a movie which is you can watch with every age group. It's a full dhamal filmy movie, a 2 hours of entertainment, pure entertainment. अब जब बाहर आएंगे you'll have a smile on your face. Debut of Shrishti, how was it? I think she was really good. She's caught on the Gabru Gang, काफी different concept है। क्या कहना चाहोगे? Gabru Gang है ये फिल्म पहली बार पतंगबाजी पे है और दिल्ली वालों को तो खून में है। हर 15 अगस्त पे हमने आई वो करी करी बच्चे लड़ाए हैं, हाथ से कटेगा तो पतंग निकलेगी। और हम ना क्या करते थे, कौन सा पांडे का मंजा आता था, पांडे का मंजा आता था, नॉर्मल सद्दी पे कांच लगा के उड़ाता था। भाई बहुत कर रहा है हमने। और ये तो भाई लास्ट फिल्म थी घायल वंस अगेन एंड ही वाज वेरी फैंटास्टिक, ही वाज रियली गुड इन दैट। और हम बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को। मेरा बॉम्बे का ये आप कह सकते हैं कि पहला दोस्त है मेरा बॉम्बे में जो बना था। और अब भाई है, और के भाई तो अभी जिंदगी भर। थैंक यू सो मच। बीइंग अ गुज्जू गाय, पतंग पे जब भी बात आती है तो हम लोग अक्सर खुश हो जाते हैं। आप लोगों को जब पता चला फर्स्ट थिंग अबाउट द स्क्रिप्ट, व्हाट वाज देयर इन योर माइंड? पहले तो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि पतंग के ऊपर फिल्म बन रही है। बाकी आई थिंक मेड अ गुड फिल्म। बाकी जब ऑडियंस देखेगी तो अपने आप उनको अच्छी लगेगी। श्रिष्टि डेब्यू? यस, आई मीन आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। ऑफ कोर्स इट्स माय डेब्यू तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाती है, बट अगेन द कॉन्सेप्ट इज़ रियली न्यू एंड आई होप लोगों को पसंद आए, तो उसके लिए जाकर देखनी पड़ेगी है ना। तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। ब्रदर व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर? सी मैं दिल्ली से हूँ, सो दिल्ली में तो पतंगबाजी एक रेज है। 15 अगस्त में हम बहुत पतंगे उड़ाते हैं, सो बचपन में भी बहुत पतंगे उड़ाई हैं और अब बड़े होकर एक पतंगबाजी में पिक्चर करना इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। आप तीनों से जानना चाहूँगा, आप तीनों में जब सबसे पहले पतंग किसको नहीं उड़ाने आती थी और किसको? मुझे अभी तक नहीं आती है, मुझे अभी भी नहीं आती है। ये पतंग उड़ते देखती बहुत अच्छे से, वो बहुत अच्छा देखती हूँ मैं। शिष्य कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? नहीं करनी पड़ी ना, क्योंकि मैं पतंग उड़ाती ही नहीं, मेरा जॉनर ही नहीं है। ये लोग किसने है, मूवी इन लोगों पे है। इनको पतंग उड़ाते हुए किस तरह का रिस्पॉन्स? लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, पहली बार होने जा रहा है इस तरह का। डायरेक्टर का भी विजन काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। आप लोग बताना चाहोगे लोगों की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स? जी ये वर्ल्ड की पहली फिल्म है जो कम्प्लीटली काइट फ्लाइंग के ऊपर बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा है, सो आपको बहुत सारे इमोशंस मिलेंगे। आपको इसमें एक रोलर कोस्टर राइड मिलेगी आपको, और रेस्ट अभी मूवी लग चुकी है थिएटर्स में, सो आप लोग देखिए, आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आप लोगों को कैसी लगी। That's our producer, and that's another very important. All of us are important characters of the film, and Arshad has not been a part of the Dubai premiere, so हमने उसे बहुत मिस किया, but वो यहाँ पर है, and I want you to ask him all the questions because हम तो अपना point of view बता चुके हैं। First movie based on kite, पूरी तरह से हम देखते हैं पतंगबाजी, काय पोछे, काफ़ी सारी ऐसी पिक्चर है जो पतंगों पे है, पर इस ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है। कुछ बताना चाहोगे? ये कॉन्सेप्ट लाइक काय पोछे या बाकी जो फिल्में हैं उसमें काइट फ्लाइंग को जस्ट मेटाफर के तौर पे यूज़ किया हुआ है। भाई ये जो फिल्म है ये प्रॉपर काइट फ्लाइंग कंपटीशन के ऊपर है, आप समझ रहे हैं। इट्स लाइक उसमें काइट फ्लाइंग को एक जस्ट स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए एक फ़न टाइम के तौर पे यूज़ किया गया है कि हाँ हम लोग काइट फ्लाइंग कर रहे हैं या ऐसे कुछ भी, कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट दिस फिल्म इज़ नॉट अबाउट द वीडियो गेम और जस्ट लाइक टच करके निकल जाना। ये प्रॉपर ये फिल्म इस्टेब्लिश करती है कि काइट फ्लाइंग इज़ स्पोर्ट जो कि ऑल ओवर ऑलमोस्ट मोर देन 100 कंट्रीज़ हैं जो कि जहाँ पे ये रिकॉग्नाइज्ड है, और इसका वर्ल्ड कप होता है आफ्टर एवरी 2 इयर्स, और उस वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट 70-80 समटाइम्स मोर देन 100 कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट करती है। सो दिस फिल्म इज़ टोटली डिफरेंट फिल्म, एंड आई होप कि इस फिल्म के आने के बाद से काइट फ्लाइंग जो अभी तक एक फ़न गेम के तौर पे लोग लेते थे, मे बी इस चीज़ को समझेंगे कि काइट फ्लाइंग इज़ जस्ट नॉट अ टाइम पास, इट्स ए स्पोर्ट एंड इट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। थैंक यू सो मच। मैम आपसे जानना चाहिए अबाउट द मूवी, अबाउट द कॉन्सेप्ट, बीइंग अ प्रोड्यूसर, क्या डिफिकल्ट? काफ़ी इन्जॉय किया आप लोगों ने, नीचे काफ़ी सारा डांस किया, काफ़ी एक्साइटमेंट में नजर आ रहे हो। जी देखिए पहले मैं तो प्रोडक्शन के एज अ प्रोड्यूसर बताऊंगी। मैंने अमृतसर में 15 साल की उम्र में एक सपना देखा था, जब इतनी छोटी उम्र में, कि मुझे एक्टर तो बनना ही है बट मुझे फिल्में बनानी है। सो 15 साल की उम्र में देखा हुआ सपना आज मेरा पूरा हो रहा है। बहुत लंबी जर्नी रही है, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है, बट एंड प्रोडक्ट ऐसा आया है कि आज वो सारी जर्नी जो वर्थ लगती है। आई हैव गॉट अमेजिंग एक्टर्स, आई हैव गॉट अमेजिंग डायरेक्टर, आई हैव गॉट अमेजिंग कॉन्सेप्ट। एक प्रोड्यूसर के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है कि आप एक पहले स्टेप की शुरुआत करते हैं और वो स्टेप में आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश कहीं ना कहीं थोड़ी कामयाब हो रही है।